लेक्चर नंबर टू और हम लोगों ने 3ds Max के अंदर प्रीवियस जो लेक्चर था वो हम लोग ये पढ़े थे कि लेक्चर नंबर टू प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था कि बेसिक्स पैरामीटर्स क्या होते हैं, एक्सटेंडेड प्रिमिटिव्स क्या होते हैं, स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स क्या होते हैं और ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ऑलमोस्ट पढ़ ली थी। आज हम इन चीज़ों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो रिसेंटली मैंने यहाँ पे बनाई थी विंडोज़, आप लोगों ने देख ली थी, AEC एक्सटेंडेड, ये भी मैंने आपको दिखा रही थी। AEC एक्सटेंडेड के अंदर होता है आर्किटेक्चर एंड विजुलाइजेशन के जितने भी एक्सटेंडेड फीचर्स होते हैं, जिसके अंदर है फॉलेज। फॉलेज पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ मेरे पास बने बनाए ट्रीज वगैरह आ जाते हैं। लाइक मैंने बयान के ऊपर क्लिक किया और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास एक ऑलरेडी एक ट्री अवेलेबल है। F4 प्रेस करता हूँ तो ये ट्री यहाँ पर मेरे पास इस तरह आ रहा है, ठीक है। F9 से आप जब रेंडर करेंगे तो ये ट्री के पास आपके पास कंप्लीट ट्री की शेप आ जाएगी, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखो कि जेनेरिक प्लान तो आप इस पर क्लिक करोगे तो जेनेरिकली इसके अंदर ऑलरेडी बने बनाए ट्री है। ये है स्कॉच, स्कॉच पे क्लिक करेंगे, ठीक है, ये आपके पास आ जाएगा याका, यानी कि जितने भी आप ट्रीज देखेंगे तो ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल है। आपने इंडोर या आउटडोर का एक्सटीरियर देना हो तो आप इसके ज़रिए दे सकते हैं कि बने बने इसमें ट्रीज अवेलेबल हैं। ऑलमोस्ट ये ह्यूमन स्केल के ऊपर ही होते हैं। अगर आप कोई बायपैड वगैरह बनाएंगे या आप कोई ऑब्जेक्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, एक्सटीरियर का, इंटीरियर का, या कोई भी अगर आप यूज़ करना चाह रहे हैं तो उसके अंदर आपको ये चीज़ें मिल जाती है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे प्लांट लाइब्रेरी है, ये ऑलरेडी यहाँ पे काफ़ी सारे प्लांट है, अगर आप अपने ऐड करना चाहें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ये हम लोग जब इंशाल्लाह ताला दूसरे फीचर भी इंस्टॉल करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक ये भी पता लग जाएगा, क्योंकि इसके इंस्टॉलेशन का प्रोसेस थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। ये इसके पैरामीटर्स हैं, मिसाल के तौर पर ये आपके पास क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आप इसकी हाइट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइक मैं कहता हूँ मेरे पास ये इतना होना चाहिए, इसकी डेंसिटी ये आप बढ़ा दें या इसको आप डेंसिटी को कम कर दें, ठीक है, या आप किसी डेंसिटी को कम कर सकते हैं। प्योरिंग डेंसिटी को थोड़ा मैं 1 कर देता हूँ। इसके बाद प्योरिंग आप देखो ये इसकी सीड को चेंज करते हैं, यानी कि आप कोई प्रोसीजरल ट्री रखना चाहते हो, आप कहते हैं यहाँ पर ये ट्री है और मैं इसकी शिफ्ट से कॉपी निकाल लेता हूँ। अच्छा, कॉपी अभी निकालना सिखाया नहीं आपको, ठहरे, ओके। वैसे आप देख लें, अगर शिफ्ट से मैं कॉपी निकाल लेता हूँ और इसके बाद मैं क्या करता हूँ तो यहाँ पर मैं इसकी जो चीज़ है इसको मैं इसकी सीडिंग चेंज कर सकता हूँ। लीव चाहिए, फ्रूट चाहिए, अगर आप लीव के साथ फ्रूट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर फ्रूट वाला होगा अवेलेबल तो यहाँ जगह ब्रांचेस की ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपने कोई एक अपेंडेड सा ट्री दिखाना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ईच एंड एवरी थिंग ऑप्शन बट यू कैन वॉन्ट सो अवेलेबल इन दिस फीचर, ठीक है। कंट्रोल ए कर रहा हूँ, इसके बाद मैं डिलीट कर रहा हूँ, तेज़ी से आगे चल रहे हैं। तो ये हमारे पास रेलिंग है और ये हमारे पास वॉल है, ठीक है। रेलिंग पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास जाहिर है पिक अ पाथ ऑफ रेलिंग। अभी मैं रेलिंग को नहीं छेड़ रहा, ये 2021 के अंदर ये ऑप्शन आई है। हम आगे जा रहे हैं, इसके बाद हम लोग देखते हैं स्टेयर्स। स्टेयर्स क्या होती हैं, यानी कि आपके पास ये स्टेयर्स हैं, आपने यहाँ पे क्लिक किया, इसके बाद यहाँ क्लिक करेंगे तो ये स्टेयर आपके पास अवेलेबल है। कहाँ पर? क्रिएट में जाने के बाद नीचे आप ज्योमेट्री के अंदर नीचे आएंगे तो आपके पास स्टेयर्स का ऑप्शन अवेलेबल है। एल टाइप स्टेयर, अगर आपके पास कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर आप घर है जिसके अंदर आप एल टाइप स्टेयर रखना चाहते हैं, आप रख सकते हैं। यू टाइप स्टेयर, यानी कि जाहिर है ये स्टेयर आपके पास यू टाइप होगी। लाइक दिस योर फ्लैट, अगर आपके पास कोई फ्लैट अवेलेबल है तो आप यहाँ पे लेके आ सकते हैं। मैं प्रॉपर यू टाइप बना के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, ये हमारे पास यू टाइप, इसकी हम लोग विड्थ और हाइट यहाँ पे ठीक कर लेते हैं। लाइक मेरे पास अगर ये विड्थ है तो मैं इसको 400 सेंटीमीटर कर लेता हूँ, तो ये मेरे पास आ गई है हाइट इसकी। स्पायरल, मतलब ये बड़ी फेमस पेयर है आपके पास, स्पायरल आपके पास इस तरह आ जाती है। नाउ कम टू द मॉडिफायर बार, दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मेरे पास मॉडिफायर बार है। अगर आपको इसके साथ रेलिंग चाहिए आपको रेलिंग अवेलेबल हो जाएगी। ये क्लोज है, क्लोज के साथ होगा, बॉक्स है, बॉक्स के साथ होगा, ठीक है। ये अवेलेबिलिटी है इसकी। इसके साथ अगर आपको लेफ्ट की नहीं चाहिए रेलिंग, लेफ्ट की रेलिंग चाहिए तब मिल जाएगी, राइट की चाहिए तब मिल जाएगी, और ये दोनों अवेलेबल हैं यहाँ पर। ये इसकी लेंथ और ये इसकी विड्थ है, ये इसको ओवरऑल है, ये इसके हाइट है।
ये इसकी थिकनेस है आपकी, ये जितनी भी आपकी जो स्टेयर है इसकी थिकनेस है। अगर आपने इसकी स्टेयर्स को बनाना हो, यानी कि ओवरऑल को आप अनचेक कर दें और आप इसकी जो स्टेयर्स है बढ़ाना चाहें बढ़ा भी सकते हैं, हाइट उतनी रहेगी आपकी। ठीक है, ये अवेलेबिलिटी आ गई इसमें। तो हर ऑब्जेक्ट का मॉडिफायर उसके अंदर मौजूद होता है जो आपको चीज़ें रिक्वायर्ड है। ये बात क्लियर हो गई होगी? ओके, सेकंड थिंग ये है कि नेविगेशन सिस्टम आपके पास क्या है, वो मैंने आपको पैसे प्रीवियस सेक्शन में बता दिया, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा इसके अंदर ब्रीफ कर दूँ। मेरे पास ये है मूव टूल, और इसको मैं यहाँ से हिला सकता हूँ, इसको अप एंड डाउन कर सकता हूँ, इसको मैं राइट एंड लेफ्ट कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है ये चीज़? अगर मैंने इसका क्लोन निकालना हो, क्लोन मतलब कॉपियाँ निकाली हो, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करूँगा। इसके बाद क्या करूँगा, मैं इसको वाई एक्सिस की तरफ आगे बढ़ा देता हूँ, और इसके बाद मैं, ये मुझसे पूछता है कि आपने क्लोन किस टाइप का निकालना है। पहली जो कैटेगरी कॉपी है, सेकंड इंस्टेंस है, और थर्ड है रेफरेंस। अगर मैं कॉपी निकाल लेता हूँ तो ये मेरे पास की कॉपियाँ निकल जाएंगी, और मैं हर ऑब्जेक्ट के ऊपर, ये देख रहे हैं आप मॉडिफाई बार, हर ऑब्जेक्ट के पैरामीटर्स उसके क्लिक करने के बाद आएंगे। यानी कि मैं इसको छोटा बड़ा करता हूँ, और इसके बाद मेरे पास ये एक, आई थिंक, पिलर की शेप बन गई, ये एक पिलर है। ओके, ये है कॉपी का फीचर। अब मैं शिफ्ट प्रेस करके दोबारा इसका क्लोन निकालता हूँ, और इसके बाद मैं कहता हूँ मेरे पास दोबारा 10 कॉपियाँ होनी चाहिए आगे, और इसके बाद मैं ओके करता हूँ। ओके करने के बाद मेरे पास, आप देख रहे हैं यहाँ पे 10 कॉपियाँ आ गई हैं। ठीक है, तो हाँ जी, अभी डिस्टेंस सेलेक्ट करना पड़ता है। शिफ्ट प्रेस किया, डिस्टेंस सेट किया, इंस्टेंस पे क्लिक किया। अब मैं इंस्टेंस को बढ़ाना चाह रहा हूँ, इंस्टेंस पे क्लिक किया, इसके बाद मैंने कहा मेरे पास नंबर ऑफ कॉपी 10 होंगी, और इसके बाद मैंने ओके कर दिया, तो ये मेरे पास अवेलेबिलिटी है। लेकिन इंस्टेंस में क्या फ़र्क है, कॉपी तो उसने भी निकाली, कॉपी तो उसने भी निकाली। इंस्टेंस में आपका ये फ़ायदा है कि फ़र्ज़ करें कि अगर आपने ये एक पिलर लगाया, और आप कहते हैं कि ओहो यार ये तो बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है, तो मैं इसकी हाइट छोटी करना चाह रहा हूँ, तो आपको 1 2 3 4, लाइक ये है हाइट इसकी 35 है, मैं कहता हूँ इसको मैं 34 कर दूँ, या 35 है, या मैं इसको कहता हूँ कि इसको, मैं कहता हूँ इसकी जो विड्थ है मेरे पास, मैं कहता हूँ ये होनी चाहिए 20 बाई 20, और या फिर आप ये कह दो कि इसकी जो विड्थ होनी चाहिए कि वो 55 बाई 5 होनी चाहिए। तो ये सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर पैरामीटर में काम कर रहा है जो मैंने क्लोन निकाला था। लाइक ये मेरे पास क्लोन है, अब मुझे इसको भी 5 बाई 5 बाई 35 करना पड़ेगा, इसको भी मैं जाऊंगा 5 बाई 5 बाई 35 करना पड़ेगा। यानी कि एक एक पे, एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमने 100 ऑफ लगाए हो और डिस्टेंस हम लोगों ने ऑलरेडी दे दी, तो हम दोबारा 100 पर करेंगे? इंस्टेंस ऐसा नहीं करता। ये इंस्टेंस निकाले, मैंने एक इंस्टेंस के ऊपर गया हूँ या इस इंस्टेंस पे जाऊँगा, किसी भी इंस्टेंस में जाके मैं इसकी विड्थ और हाइट, यानी कि 5 इधर कर दूंगा, 5 इधर कर दूंगा, और ये मैं इसको करता हूँ 100, तो ये सब पर अप्लाई हो जाएगा, द पावर ऑफ इंस्टेंस। ये इंस्टेंस आपके पास, अगर मैं कहता हूँ नहीं यार ये सेंटर वाला पिलर के मुताबिक सारे होने चाहिए, तो मैं किसी पे भी क्लिक करूँगा, और मैं सेंटर वाले पे क्लिक करने के बाद मैं उसको नीचे कर दूंगा, तो इंस्टेंस ऑटोमेटिकली के तौर पे अपने इंस्टेंस ऑब्जेक्ट को लेवल कर देगा या मॉडिफाई कर देगा। हाँ जी, क्लियर होगी बात? अच्छा, थर्ड ऑप्शन है, राइट क्लिक करेंगे, शिफ्ट शिफ्ट प्रेस कर रहा हूँ, और इसके बाद मैंने क्लोन निकाले, अब मैं रेफरेंस देख रहा हूँ। अब मैं जब रेफरेंस को आगे निकालूंगा, तो आप ये देखोगे कि मैं अगर पहले ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को क्लिक करके छोटा या बड़ा कर रहा हूँ, तो वो इंस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। तो इसमें और इसमें क्या फ़र्क हुआ? इंस्टेंस में ये फ़र्क था कि मैं बीच में किसी भी इसके क्लोन ऑब्जेक्ट को पकड़ता हूँ, तो पैरामीटर्स में चेंज कर सकता हूँ। रेफरेंस ऑब्जेक्ट में ऐसा नहीं है, रेफरेंस ऑब्जेक्ट के अंदर जब मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो आपके सामने पैरामीटर लॉक नज़र आ रहे हैं, आपको रेफरेंस ऑब्जेक्ट पर जाके ही उसके पैरामीटर चेंज करने पड़ेंगे। ये है इंस्टेंस, कॉपी और रेफरेंस में फर्क। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, इसी तरीके से अगर मैं फ़र्ज़ करें मैं हायरार्की में जा रहा हूँ, हायरार्की में आने के बाद ये मेरा पिवट पॉइंट है, इसको मैंने यहाँ पे थोड़ा रख दिया ताकि मेरा जो ऑब्जेक्ट है इसके पास रोटेट हो। मैंने रोटेशन में गया और शिफ्ट प्रेस करके अगर मैं रोटेट करूँगा, तब भी मेरे ऑब्जेक्ट की कॉपी रोटेशन में निकल आएगी। तो ये है हमारा आज का बेसिक लेक्चर।
कॉपी क्या होती है, इंस्टेंस क्या होती है, एक्सटेंडेड पैरामीटर्स के और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। इसके अलावा आप ये देखें, 2D शेप्स भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। 2D शेप आपके पास ये लाइन है, ठीक है, इसके बाद ये सर्कल है, रेक्टेंगल है, ये सारी चीज़ें आपको किस में अवेलेबल मिलेंगी, 2D में। ये सर्कल आ गया, ये एलिप्स है, इसके बाद ये डोनेट है, फिर आपके पास एनगॉन है, हिलेक्स इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। इसके अगर हमने कर्व बढ़ाने हैं इसके जी, अब वही मॉडिफाई बार में टर्न बढ़ा दें आप इसके लिए। ये स्प्रिंग बन जाएगा एग्जैक्टली, ये एग है, ये मैंने इसके सारे दिए किए थे खुद से ना, तो ये पहला सिलेक्ट लेक्चर हुआ था ना तो प्रैक्टिस गुड, ये फ्री हैंड है। ओके तो ये हमारे पास 2D और 3D, हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे उसके सब्जेक्ट जो है, जो उसके ऑब्जेक्ट है वो हमने स्टडी कर ली है। कॉपी का आपको पता लग गया और फिर कॉपी का भी आपको पता लग गया। काम इसलिए थोड़ा करवा रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी स्टूडेंट नहीं है, मेक श्योर कि यार आप लोग अपनी अटेंडेंस रखो। प्रैक्टिकल वाले दिन तो मैं कर सकता हूँ कॉम्प्रोमाइज, लेकिन उसके अलावा नहीं होगा। लेक्चर तो फिर जाहिर है फिर।